प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में 44 करोड़ की लागत से बनने वाले शौर्य स्मारक का अनावरण किया। बोले सेना बोलती नहीं, पराक्रम दिखाती है। विरोधियों के वार पर मोदी का पलटवार, जहां सर्जिकल स्ट्राइक पर नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग कहते थे मैं कुछ करता नहीं, उनके लिए जवाब। शौर्य स्मारक का अनावरण करने के बाद पीएम ने कहा, हमें हमेशा अपने फौजियों का सम्मान करना चाहिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपने भाषण में सर्जिकल स्ट्राइक का किया जिक्र, चर्चा। कहा 29 की रात हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस। चुनाव से पहले पार्टी और परिवार के बीच घमासान, अकेले पड़े दिखे अखिलेश यादव। मुलायम ने कहा, चुनाव के बाद तय होगा सीएम का नाम। एसपी सुप्रीमो मुलायम का दावा, 3 पीढ़ियों से हमारे परिवार में कोई मतभेद नहीं। परिवार में मतभेदों के बीच बोले अखिलेश, कहा अकेले ही चुनाव प्रचार के लिए तैयार। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, बचपन में खुद ही रखा था अपना नाम। दिल्ली महिला आयोग में अवैध भर्ती मामले में जयपुरी सीएम मनीष सिसोदिया की एसीबी के सामने पेशी, 3 घंटे तक हुई पूछताछ। आम आदमी पार्टी के 27 और विधायकों पर लटकी तलवार, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को भेजी याचिका। दिल्ली के एलजी नजीब जंग की केजरीवाल सरकार पर कड़ी टिप्पणी, कहा चुनी हुई सरकार सच्चाई बाहर आने से डर क्यों रही है। गुजरात के जूनागढ़ में 200 दलित परिवारों का धर्म परिवर्तन, ऊना की घटना से नाराज होकर बौद्ध धर्म अपनाया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री बादल के घर के बाहर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आए ग्रामीण डाक सेवकों का धरना प्रदर्शन, बोनस नहीं मिलने से नाराजगी। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी पर बन रहे पुल में घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल होने से नाराज एनएसयूआई ने एसडीओ का किया घेराव, जमकर नारेबाजी। हरिद्वार के ज्वालापुर में 3 मंजिली दुकान में आग से अफरा तफरी, कई घंटे बाद आग पर किसी तरह से पाया गया काबू। भटिंडा में नौकरी की मांग कर रहे दिहाड़ी कर्मचारियों पर पुलिस लाठीचार्ज, कई लोग जख्मी। राजस्थान के पाली में घंटों इंतजार कराने के बाद मंत्री के नहीं पहुंचने पर लोगों का भड़का गुस्सा, विधायक को सुनाई खरी कोर्ट। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो, सपेरे ने बोरे में लाए 285 सांपों को एक साथ जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश के बैतूल में डीएम दफ्तर में सांप देखे जाने पर कोहराम, घंटों की मशक्कत के बाद काबू में किया गया। मेरठ में एक महिला ने छात्र नेता पर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप का आरोप लगाया, पुलिस ने दर्ज किया मामला। बरेली में चोरी करने से रोकने पर एक शख्स ने पत्नी को दिया तलाक, पीड़ित महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। वाराणसी में बेकाबू इंडिको कार ने एक के बाद एक 7 बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 6 घायल। इलाहाबाद में बस को टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में 1 की मौत, कई घायल। अमरोहा में यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री देवी सहाय राणा के बेटे की बोलेरो गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बच्ची की मौत, पिता और बहन की हालत गंभीर। मैनपुरी में नदी में डूबकर 2 जुड़वा बच्चों की मौत, हादसे के बाद घर में मातम। कानपुर में 2 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने कई वाहनों में की तोड़फोड़। फतेहपुर में भूमि विवाद में एक परिवार में हिंसक झड़प, जेठानी ने बेटे के साथ मिलकर देवरानी की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। आगरा में लिंग परीक्षण मामले में निजी क्लिनिक पर पुलिस का छापा, एक डॉक्टर समेत 4 हिरासत। एटा में विरोधी को फंसाने के लिए चाचा ने 6 साल की मासूम भतीजी को मौत के घाट उतारा, आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में जूते के गोदाम में लगी भीषण आग, कई घंटे बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में समाजवादी छात्र सभा ने चीनी सामान की होली जलाई, लोगों से चीन में बने सामान के बहिष्कार की मांग। फतेहपुर में बाइक पर भाई के साथ जा रही लड़की को अगवा करने की कोशिश, एक आरोपी पकड़ा गया। हरदोई में आशा बहू का नाम करने वाली महिला का कत्ल, एक तरफा प्यार में गांव के ही शख्स पर हत्याकार। बरेली में रेप पीड़ित नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म, परिवार की बड़ी मुसीबत।
मेरठ में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल के बाहर शव रखकर सड़क पर लगाया जा। कौशाम्बी में खाली पड़े प्लॉट में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप, हत्या से पहले रेप की आशंका। पीलीभीत में शौच के लिए गई नाबालिग को बंधक बनाकर रेप, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। ग्रेटर नोएडा के कासना में कंपनी के कर्मचारी से 4 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में हुक्का बार पर पुलिस का छापा, 40 नाबालिग लड़के लड़कियों को नशे की हालत में हिरासत में लिया गया। रतलाम में दर्दनाक हादसा, टायर फटने के बाद खदान में गिरी बेकाबू बस, हादसे में 17 लोगों की मौत। हादसे के समय बस में सवार थे 40 यात्री, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। होशंगाबाद में वाहन चोरों का आतंक, कॉलोनी का गेट तोड़ 5 मिनट के अंदर बाइक लेकर फरार हुए चोर। भिंड में सर्व ब्राह्मण महासभा ने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पोस्टरों में दिखाया कृष्ण का अवतार, शिवराज पर साधा निशाना। दतिया में गरीबी के चलते एक दंपति ने 3 मासूम बच्चों का किया सौदा, तीनों को 10-10 हजार में बेच दिया। मनेर में बदमाशों की हैवानियत, बिजली मिस्त्री को अगवा कर काटी जीभ, अधमरा कर घर के बाहर फेंक कर फरार। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय में 12वीं के छात्र की कुछ लड़कों ने की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद 2 छात्र सस्पेंड। मधुबनी में घर में चल रहे नशे के कारोबार का पर्दाफाश, भारी मात्रा में शराब और ड्रग्स के साथ 3 लाख कैश बरामद। मुजफ्फरपुर में नेशनल हाईवे पर लूट की योजना बना रहे 5 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। कटिहार में सदर अस्पताल के बच्चा वार्ड से नवजात की चोरी, एक आरोपी की भीड़ ने पिटाई की। समस्तीपुर में एक युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने 3 थाने के दारोगा को बनाया बंधक, डीएसपी से आश्वासन मिलने के बाद आजाद किया। छपरा में बाढ़ राहत सामग्री में घोटाले को लेकर महिलाओं का डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन, जमकर किनारेबाजी। सुपौल में बीती रात आबकारी विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने बोला हमला, 4 आरोपियों को हथकड़ी छुड़ाले भागे। स्थानीय लोगों का आरोप, शराबबंदी कानून की आड़ में निर्दोष लोगों को पकड़ा गया था, जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। कैमूर में बदमाशों ने घर में धावा बोल महिला को बंधक बनाकर की लूटपाट, महिला की चीख सुन ग्रामीणों ने 4 लुटेरों को धर दबोचा। धनबाद में 1300 रुपए के लिए अस्पताल ने 14 घंटे तक कब्जे में रखा नवजात का शव, पिता ने साइकिल बेच कर चुकाया वो। धनबाद में पिकनिक मनाने के दौरान हादसा, सेल्फी के चक्कर में दामोदर नदी में बह गया युवा। रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 लाख के इनामी नक्सली ने डीजीपी के सामने सरेंडर किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अवैध संबंधों के शक में पंचायत के फरमान पर पति ने पत्नी के काटे बाल, 4 गिरफ्तार। सिमडेगा की 3 बेटियों ने किया कमाल, गरीबी और मुश्किल हालात से जूझते हुए राष्ट्रीय अंडर-19 हॉकी टीम में बनाई जगह। बाड़मेर में प्रोफेसर के तबादले के खिलाफ ज्ञापन देने पहुंची छात्राओं को मंत्री ने धूप में 3 घंटे तक कराया इंतजार, गुस्साए छात्राओं ने की जमकर नारेबाजी। जैसलमेर में विजिलेंस टीम पर हमले के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की धमकी। धौलपुर में एक ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद, आबकारी पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। भरतपुर में सरकारी अस्पताल में मरीज के परिजनों का हंगामा, टेस्ट के लिए निजी लैब भेजने पर भड़का गुस्सा। कोटा में एक बार फिर कोचिंग के एक छात्र ने की खुदकुशी, चंबल नदी में छलांग लगाकर जान दी। धौलपुर के नगलादानी गांव में 16 साल की नाबालिग से 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। सीकर में कैश समेत एटीएम उखाड़ ले गए बेखौफ लुटेरे, जाते जाते सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ गए। चित्तौड़गढ़ में चोरी के आरोप में भीड़ ने 3 महिला चोरों की जमकर धुनाई की, बाद में पुलिस के हवाले किया। बाड़मेर में एयरबेस और सीमा के पास घूम रहे 2 संदिग्ध गिरफ्तार, एक बांग्लादेश का रहने वाला। झांसी में टोल प्लाजा पर एक बैंक के कैश वैन से 1 करोड़ की हो गई लूट, बदमाशों का अब तक नहीं मिला है कोई सुराग। कोलकाता एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ की महिला जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में दोस्त पर 3 लाख रुपए उधार नहीं लौटाने का आरोप लगाया। उत्तरी दिनाजपुर में जुए के अड्डे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर बदमाशों ने की फायरिंग, 5 घायल। ओडिशा के राउरकेला में चोरी के आरोप में नाबालिग को भीड़ ने खंभे में बांधकर पीटा, बाद में पुलिस को सौंपा।
भुवनेश्वर में कराटे की ट्रेनिंग ले चुकी स्कूली छात्राओं ने मनचलों की जमकर धुनाई की, बाद में पुलिस के हवाले किया। गुड़गांव के सेक्टर 58 में एक अपार्टमेंट में 1 करोड़ की चोरी। अमेरिका गई फ्लैट की मालकिन ने केयरटेकर को दी थी देखभाल की जिम्मेदारी। दिल्ली के पहाड़गंज में 45 साल की शादीशुदा महिला की घर में जलकर मौत, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के पीतमपुरा में घर में सेंधमारी कर लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हुए चोर, तीर्थयात्रा पर गया था परिवार। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े ठक ठक गैंग के 7 बदमाश, गैंग में शामिल सभी बदमाश तमिलनाडु के रहने वाले। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने नरेला में दिल्ली पुलिस कैंटीन का किया उद्घाटन, पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी की मुलाकात। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर 1 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया एक शख्स, नारकोटिक्स विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रामलीला मंचन के दौरान हंगामा, कांग्रेस नेता की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। हरिद्वार में बीती रात उत्तराखंड के सीएम के सलाहकार संजय चौधरी की गाड़ी पर फायरिंग, कार पलटने के बाद साथियों के साथ खेत में छिपकर बचाई जान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आदमखोर बाघिन की अब भी तलाश जारी, प्रशासन की ओर से देखते ही गोली मारने के आदेश। असम के बरपेटा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों घरों में घुसा पानी। ग्वालियर में एफओ स्टेशन में जबरन घुस रहा शख्स गिरफ्तार, पूछताछ में बताया प्रेमिका से मिलने जा रहा था। बैतूल में स्थानीय लोगों ने गायों में भरा कंटेनर पकड़ा, 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 हो गया फरार। ग्वालियर में एक ऑयल मिल पर छापेमारी, 7 लाख रुपए का मिलावटी माल बरामद। यूपी के संभल में लड़की ने परिजनों के साथ मिलकर मनचलों को सिखाया सबक, जमकर की धुनाई। अपने चहेते का चालान कटने पर पुलिस अधिकारियों पर भड़के झारखंड के मंत्री सीपी सिंह, वर्दी उतरवाने के लिए दे डाली धमकी। तनाव के बीच कश्मीर में मुस्लिम परिवारों ने पेश की मिसाल, पुलवामा में इकलौते कश्मीरी पंडित की बेटी की धूमधाम से कराई शादी। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का दिख रहा है असर, कानपुर में घर में टॉयलेट बनाने के लिए महिला ने बेचा मंगलसूत्र। एक बार फिर से शिरडी के साईं बाबा पर पैसों की बारिश, 4 दिन से भक्तों ने चढ़ाया करीब 4 करोड़ का चढ़ावा। अमृतसर में हरमिंदर साहिब में मुंबई की एक महिला भक्त ने चढ़ाया 1 किलो सोना, 32 लाख खर्च किए। दिल्ली के एम्स में आर्थराइटिस यानी गठिया बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन, लोगों को मिलेगी अहम जानकारी।